हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 28 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैनुअल ड्रिलिंग ऑन टू रीच स्टक वर्कर, तो मतलब वर्कर्स को निकाला जा रहा है और ऐसा दिखा जा रहा है कि आज हो सकता है न्यूज़ चैनल्स वगैरह में दिखा रहे कि आज उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। तो यहाँ से एक ये हमारा न्यूज़ जो अभी तक चला आ रहा है, जो टनल रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, जिसमें मजदूर वहाँ पर अंदर हैं उनको निकालने के लिए। राइट टू प्राइवेसी नॉट एस्केप्ड बाई मैरिज, सेज कर्नाटका हाईकोर्ट। तो इसमें कहा है कि रिलेशनशिप बाई मैरिज, मतलब शादी किसी की होती है, वो किसी भी तरीके से डज नॉट इक्लिप्स द राइट टू प्राइवेसी अंडर आधार एक्ट, ठीक है। एंड पर्सनल डेटा ऑफ वन ऑफ द स्पाउस स्टोर्ड इन द आधार कैन नॉट बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता एट इंस्टेंस ऑफ द अदर स्पाउस विदाउट हियरिंग स्पाउस हुज इंफॉर्मेशन इज सॉट। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट जो है कर्नाटका की, उन्होंने। आगे आ जाएंगे हम, देखेंगे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा एडिटोरियल वाला पेज है, इसमें चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे क्या कही जा रही हैं। ओके, तो कहा जा रहा है द मेनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टूडे। इसमें है इफ एज इट समथिंग मैंशनड वॉर रिफ्लेक्ट जियो पोलिटिकल इनकम्पिटेंस then the first quarter of 21st century reflect incompetence of higher order with several nations contributing to this state of affair. Europe, Asia and Africa seems to be in the state of permanent dissonance today. तो बता रहे हैं कि जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका है वो क्या है, seems to be in the state of permanent dissonance में है। ओके, और आगे क्या कहा जा रहा है, while North and South America are placed by problem of warring magnitude, all this has set the stage for multipolar disorder. Okay, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, जैसे कि multipolar disorder की बात की गई है, इससे related, जैसे अगर किसी का PSIR optional है तो उसको इस सब बारे में भी information होनी चाहिए। और साथ ही साथ कई बार multipolar disorder और इस सब पे क्या होता है, चीज़ें पूछ भी लिया जाता है। तो मल्टीपोलर डिसऑर्डर है क्या, देखते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी कन्फ्रंट अ मल्टीट्यूड ऑफ डेंजर ऑन September 11, 2001 विथ अलकायदा अटैकिंग ट्विन टावर। तो अलकायदा ने क्या किया था, ट्विन टावर न्यूयॉर्क में अटैक किया था, उस पर टेररिज्म गेंड अ न्यू डायमेंशन। अ फ्यू ईयर्स लेटर वी सॉ राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट, उसके बाद क्या देखा गया, राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट विच इवन टॉक ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन। मीनवाइल देयर वर एंड स्टिल एग्जिस्ट मेनी लेसर नोन टेरर आउटफिट सच एज पाकिस्तान बैक्ड लश्कर ए तैयबा विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अटैक इन मुंबई, जिसमें इसने क्या कराया था, अटैक कराया था मुंबई में, जो कि 26 नवंबर 2008 में हुआ था, जिसे 26/11 टेरर अटैक भी कहते हैं। ओके, तो अटैक ऑन द स्टेट ऑफ इसराइल बाय हमास, अभी चल रहा है ये। पैलेस्टीनियन टेरर आउटफिट हाउएवर रिप्रेजेंट अ न्यू हाई इन द इवोल्यूशन ऑफ टेररिज्म। तो ऑल अबाउट आप ये जान लो कि ये पूरा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एसे में भी आ सकता है और जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। अटैक ऑफ यूक्रेन बाय रशिया, ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है, 2022 से ही, फॉल इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, बट ये कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया का। बर जो ये पैलेस्टीनियन टेरर और ये सारी चीज़ें हैं वो टेररिज्म में लिया जाएगा। लश्कर ए तैयबा ने जो मुंबई में अटैक किया था वो भी टेररिज्म में होगा, और अलकायदा ट्विन टावर वाला भी टेररिज्म में इंक्लूड किया जाएगा। इवन एज वॉर कंटिन्यू टू फास्टर नीदर रशिया नॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग नेटो इज विलिंग टू कंसिडर अ पॉज। तो ये सारी चीज़ें हैं। थ्रेट ऑफ टेररिज्म टेक्नोलॉजी रिस्क हेल्थ, जो थ्रेट है टेररिज्म टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी रिस्क उस पर कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल कन्फ्रंट द वर्ल्ड इन 21st century। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देयर इज वर्स टू कम, अ मैसिव यूनाइटेड स्टेट नेवल डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू गल्फ ऑफ ओमान, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इंडो पैसिफिक रीजन, तो मतलब ये टेररिज्म से रिलेटेड है, कल से मल्टीपोलर जो चीज़ें चल रही हैं, डिसऑर्डर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। सॉरी, इट्स टाइम टू रीवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड दी हुई हैं चीज़ें। अब आपको पता ये सारी चीज़ें GS पेपर 2 में हमारा रहता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इन सब चीज़ों में इंक्लूड होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ 3 ज्यूरिडिक्शन, तो 3 ज्यूरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल, एपलेटर, एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट सर्व एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज कोर्ट ऑफ अपील। द कोर्ट सिट्स इन द बेंच ऑफ वैरिंग साइज एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्री ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिपिकली कंप्राइजेस 5, 7 and 9 जजेस। तो कितने होते हैं, 5, 7 and 9 जजेस होते हैं, हु डेलिबरेट ऑन स्पेसिफिक इशू। जैसे बोलते हैं ना कि 5 जज बेंच ने ये डिसाइड किया है, 9 जज बेंच ने डिसाइड किया है, तो वही कहा जा रहा है कि जो स्पेसिफिक इशूज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, वो इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इस पर जजमेंट दी जाती है। आर्टिकल यहाँ पर बात किया जा रहा है 145 सब क्लॉज 3 की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सेट करने की बात यहाँ पे किसमें कही गई है, आर्टिकल 45C में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात की गई है। ओके, इट सेज अ मिनिमम ऑफ 5 जज नीडेड टू सिट फॉर डिसाइडिंग अ केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनिमम कितने चाहिए होंगे, 5। ओके, 5 मिनिमम 5 कहा जा रहा है कि, और फॉर हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 विच डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द कोर्ट। ये लाइन याद रखनी है कि आर्टिकल 45, ठीक है, विच डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द कोर्ट। तो उसमें क्या करते हैं, वो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो कंसल्ट कर सकते हैं कोर्ट को। टिपिकली केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर हर्ड बाई डिवीजन बेंच ऑफ 2 जज फॉर फुल बेंच, 3 जज बेंच। तो ये है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कहा गया, अंडर दिस वेरी ब्रॉड ज्यूरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एंटरटेन्ड फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL की बात यहाँ की जा रही है, जो कि फाइल किया जाता है, सच एज डिमांड दैट पासिस बी डिलीटेड फ्रॉम कुरान और सेकुलरिज्म बाय रिमूव फ्रॉम प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मतलब इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें हमको आर्टिकल 145(3) का जानना है, और यहाँ पे ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी, तीन तरह के ज्यूरिडिक्शन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी हमें जानना है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, ये हमको यहाँ से जानना है। डिस्क्लोजर ऑन अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मार्च 1984 में 10th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था सुप्रीम कोर्ट बाय स्प्लिट 2 डिवीज़न। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 11th लॉ कमीशन स्टार्टेड 1988, डिवाइडिंग सुप्रीम कोर्ट पार्ट दैट मेक जस्टिस मोर वाइडली अवेलेबल वुड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज दी लिटिगेशन हैफ पे। बिहार लीगल सपोर्ट सिक्योरिटी की बात की जा रही है। 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 रिकमेंड किया है 4 रीजनल बेंच, दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद एंड कोलकाता में। ये लाइन याद रखनी है। 6 जज बेंच ईच रीजन एट 4 नेशनल बेंच टू टेक अप अपलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम देयर वर 3 सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड 8 जज इंक्लूडिंग CJI, एंड ओवर बर्डनड कोर्ट की भी बात यहाँ पे की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे एनालाइज इशू विद कंप्लीटिंग मेजर टू प्रोटेस्ट सिटीजन राइट टू बेसिक एक्सेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट आएंगे हम, देखेंगे और कौन सा है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारा कुछ रहता है इंपॉर्टेंट, जैसे कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी, क्या डॉलराइजेशन से इकोनॉमी को सेव किया जा सकता है, तो इस पे देखेंगे। जेवे मलई द सेल्फ कन्फेस्ड एनार्को कैपिटलिस्ट प्लेज हिज कैंपेन टू प्लेस अर्जेंटीना करेंसी विथ डॉलर टू एलिमिनेट सेंट्रल बैंक एंड स्लैश गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सपीरियंस ऑफ सम कंट्रीज होल्ड आउट प्रॉमिस फॉर प्रोटेस्ट ऑफ डॉलराइजेशन देयर फुली डॉलराइजेशन इकोनॉमीज इक्वाडोर पनामा एंड अल सल्वाडोर हैव सक्सेसफुली इकोनॉमिक आउटकम्स फॉलोइंग डॉलराइजेशन विद इक्वाडोर। मतलब वही डॉलराइजेशन से इकोनॉमी, तो उसी थोड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दी गई हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फाइबर ऑप्टिक्स की, जिसके बारे में पता होगा आपको, फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए जाते हैं।
ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें क्या कही जा रही है। ड्यूरिंग द अनप्रेसिडेंटेड COVID-19 पैंडेमिक द वन थिंग्स दैट कनेक्टेड अस वर्चुअली वॉज इंटरनेट, कि हम वर्चुअली इंटरनेट से कनेक्टेड थे बिकॉज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वी कैन नाउ वीडियो चैट विथ फ्रेंड, पे ऑनलाइन एंड अटेंड क्लासेस और मीटिंग फ्रॉम होम। हैव यू वंडर्ड हाउ दिस कनेक्शन वर्क? तो क्या है ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में जान लो, अगर आए तो आपको पता होना चाहिए। पहले भी इसके बारे में न्यूज़ आ चुका है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बने होते हैं मेड ऑफ थिन सिलेंड्रिकल स्टैंड ऑफ ग्लास से। डायमीटर ऑफ अ टिपिकल फाइबर इज़ क्लोज टू डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। तो उसके जो थिकनेस होती है वो डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर के इक्वल होती है। दिस फाइबर कैन कैरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है जैसे कि टेस्ट, इमेज, वीडियो एंड टेलीफोन होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी इनकोडेड एज डिजिटल इंफॉर्मेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अल्ट्रा थिन फाइबर में बात की जाए सीम्स वेरी फ्रेजाइल बट वेन मैन्युफैक्चर करेक्टली एज लॉन्ग थ्रेड सराउंडेड बाई प्रोटेज दे सर्व द पर्पज इन ड्यूरेबल वे। दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड फ्लैक्सीबल एंड डील टू बी वरीड अंडरग्राउंड। तो मतलब वही है कि किस तरीके से वो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं, ये देखो। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपको पता ही होगा फिजिक्स से कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विद ए स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, किसके साथ, विद ए स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। विजिबल लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, थर्मल रेडिएशन, ये सब की बात की जा रही है। ह्यूमन सी वर्ल्ड अराउंड अस वाया सनलाइट, तो ह्यूमन अपने मतलब क्या करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं सन अराउंड अस वाया सनलाइट। बट इट टुक अस लॉन्ग टाइम टू कंट्रोल एंड गाइड लाइट थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल एज लाइट पाइप टू सेंड कूलेस सिग्नल, कोडेड सिग्नल। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम तीन पार्ट होते हैं इसके। एक होता है ट्रांसमीटर, जो क्या करता है, इनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिकल सिग्नल्स में इन द फॉर्म ऑफ रैपिडली ब्लिंकिंग लाइट पल्सेस ऑफ जीरो एंड वन। और दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर दैट कैरी सिग्नल टू डेस्टिनेशन। पहला ट्रांसमिट करता है, फिर डेस्टिनेशन तक ले जाता है सिग्नल्स को, एंड रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन जो कि इनकोडेड सिग्नल्स में, मतलब इनकोडेड सिग्नल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनकोडेड सिग्नल, वो रिसीवर जो करता है वो रिप्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन इनकोडेड सिग्नल से। ऑप्टिकल वेव अलाउ करता है हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट को अप टू सेवरल टेराबाइट, ठीक है, सेवरल टेराबाइट करता है, ये लाइन याद रखनी है, पर सेकेंड, ठीक है, सेवरल टेराबाइट पर टेराबिट या टेराबाइट कह लो पर सेकेंड करता है इन अ सिंगल फाइबर। अनलाइक रेडियो कॉपर केबल बेस्ड कम्युनिकेशन, फाइबर केबल आर ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सटर्नल परटर्बेशन सच एज लाइटनिंग एंड बैड वेदर, तो उससे ये सेंसिटिव होता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे डेवलप किया गया अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि वाइल वी हैव नोन अबाउट दी इंट्रीगुइंग इफेक्ट ऑफ लाइट इन द ट्रांसपेरेंट मीडिया लाइक वाटर ऑफ ग्लास, द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ लाइट गाइडिंग कैन बी ट्रेस्ड ओनली टू द अर्ली 19th सेंचुरी। इन 1840 जीन डेनायल कॉलेडन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइट प्रोपगेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर जेट। तो ये यहाँ पे ओके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड यहाँ से जाननी थी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा रह गया हो। ये वर्ड वाले पेज पे हम आ गए हैं, स्पोर्ट्स, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। साइंस में बात की जा रही है द मैकेनिज्म दैट रिमूव अनफिट सेल बिफोर यू आर बॉर्न, तो उसकी बात की गई है यहाँ पे। इनर्ट सेल मास क्या होता है, इन 2016 मनवेंद्र सिंह देन अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब बताया है स्टडी फ्रॉम शोन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एक्सप्रेस अ जीन कॉल्ड, ये लाइन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, HERVH, अ वायरस लाइक जीन होता है ये, दैट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग प्लूरीपोटेंशी, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन डाटा इन 2016, डॉक्टर
Singh found that most of the inner cell mast cell also express HERVH, but not the non-committed cells that eventually die. We found that in inner cell mast, the real pluripotent stem cell, they are marked by HERVS. There is also a separate group of cells that are not committing to any lineage. Jumping gene kya hai, uske baare mein yahan baat hui hai. Selection RNA, theek hai. To ye saari baare mein yahan pe discussion hua hai. Next kya hai, Webb Space Telescope. Webb Space Telescope spot teenage galaxies. To ye kya hai, since becoming operational last year, James Webb Space Telescope, JWST, have made groundbreaking observation involving some of the universe's earliest galaxy. Webb has obtained even better data on galaxies a bit further along in the development. Astronomers call these galactic teenagers. So, ye jo galactic hain, unko kya kaha astronomer ne? Teenagers kaha hai. As a new research mein kya paya gaya, they resemble human teenagers. Matlab wo kya hai, resembles hain human teenager ke certain respect mein, jaise include by displaying growth spurt along with a bit of immaturity. तो देखो जैसे क्या कहते हैं हम कि टीनेजर हो क्या, मतलब अगर किसी को कुछ बोला कि तुम टीनेजर जैसी हरकतें क्यों करो, मतलब इमैच्योरिटी शो करना, ठीक है. रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन गैलेक्सी दैट फॉर्म 2 to 3 billion ईयर्स आफ्टर बिग बैंग. तो ये बिग बैंग के 2 से 3 billion ईयर्स बाद क्या हुए हैं, पाए गए हैं. स्टडी एवरेज डेटा ऑब्टेन्ड बाय वेब लाइट अक्रॉस वेरियस वेब लेंथ इमिनेटिंग 23 such galaxies, their chemical DNA to plant a composite picture of teenager galactic characters. ठीक है, तो ये है. These teenager galaxies have very unique chemical DNA. तो इनका बहुत ही unique chemical DNA होता है, which indicate they have formed a decent number of stars but still growing rapidly, said Allison Strom, professor of physics. Gas detected in star forming region of teenager galaxies was much hotter at about 13,350 degrees centigrade than observed in galaxy today. These galaxies don't yet look or act to where galaxy do today according to researcher. तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. टेम्परेचर, galaxy were observed glowing with 8 element. किसके किसके साथ? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गॉन, निकल एंड सिलिकॉन. इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट रहें. तो ये लास्ट पेज हमारा जो कि हमने डिस्कस किया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी थी हमने यहाँ पे देखा. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है, जाके आप देखो उसको ज़्यादा से ज़्यादा. और MP स्पेशल आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि जो भी MP पीसेस देने वाले हों, ठीक है, MPPSC देने वाले हों या फिर MP से बिलोंग करते हैं और उनका इंटरव्यू हो, तो उसके लिए वो थोड़ा सा GK टाइप का एक वीडियो है, वो देख लेना. थैंक यू.